नाज हमारे पास किसी के लिए माफी, मिलिट्री बेस के ब्रिज को जिसने भी पार करने की सोची उसके लिए हम अकेले ही काफी। अगर चमकी पेटिया तो बवाल मत करना, बहुत मजा आता है मुझे हरा धुआं उठाने में। कोई और रास्ता ढूंढ लो अगर आ गए लपेटे में, तो भाई फिर मुझसे सवाल मत करना। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे बैटल ग्राउंड्स वाले भाइयों, तो भाइयों आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो आज जहाज से कूदते ही भाई मैंने यहाँ पर 100-200 बंदों की पेटियां चमका दी थी, और इस भाई का जो है नाम कुछ ऐसा था भाई, तो मुझे हाइड करना पड़ा। वैसे आज की वीडियो में भाई बिल्कुल बवाल होने वाला, और आप समझ सकते हो कि भाई मैं आज अकेला ही खेलने लग रहा था क्योंकि मेरा टीममेट जो कहीं और उतर गया था भाई, और वो टपक भी जाता है। अब एक बंदा ये देखो भाई मेरे साथ लुकम छिपाई खेल रहा था, तो ये भी गया भाई। अभी सुपर वाले बंदे के रिश्तेदार को ना भाई कोई और लपेट देता तो इसने भाई वैसे ही प्राण त्याग दिए। और आज यहाँ से भाई मैं ये मौसी मौसमी मौसम जो भी भाई ये स्नाइपर है मैं ये उठा लेता हूँ, और मुझे सामने दिखती है भाई बोटनी। अब यहाँ पर भाई इस बोटनी को ना मैंने 100-200 गोलियां चिपका दी थी भाई, लेकिन ये प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई। मैंने तो इसके लिए व्रत भी नहीं रखा था। अब एक बार तो मुझे लगा कि भाई उस दुकानदार ने भाई नकली गोलियां चिपका दी, लेकिन ये देखो भाई यहाँ पर जो है मेरे नेटवर्क की ऐसी तैसी हो गई थी। तो बहुत देर के बाद भाई मैंने कट वूट कर दी थी भाई वीडियो, और उसके बाद जो है मैं मैच में दोबारा जाता हूँ। एक बार तो मुझे लगा कि भाई मैं टपकूंगा, लेकिन नहीं भाई मैं अभी भी रीलोड करने लग रहा था, और बोटनी यहाँ से 9-2-11 हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो एक गाड़ी आ जाती है, और अब देखो भाई यहाँ पर क्या ही बवाल होने वाला है। अब यहाँ पर भाई ये दो चुन्नू मुन्नू आए थे भाई, तो इन दोनों को तो लपेट दिया। और जब भी भाई आप पर कोई ऐसे रस करे ना, तो आपको ढूंढ के तो मारना ही है भाई, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसे दो बंदे आए ना, तो सबसे पहले भाई राइट वाले को लपेटना जो आपके कवर से दूसरी साइड है, नहीं तो भाई आपको वो पहले टपका देगा। अब ये देखो भाई एक के बाद जो है एक गाड़ी आने लग रही थी, और आपको ना भाई ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर जैसे जो पहले दो बंदे आए थे, अगर मैं उनमें से भाई पहले लेफ्ट वाले को टपकाता तो राइट वाला भाई मुझे इजीली टपका सकता था। तो वैसे उम्मीद है भाई आप ये सब ध्यान रखते होंगे। अब यहाँ पर भाई एक बोटनी और आ गई थी, और ये बोटनी ना भाई शायद वही थी जिसको पहले भाई मैंने इसकी स्नाइपर की गोलियां चिपकाई थी, तो ये फिर से आ गई थी भाई प्रसाद लेने। अब जब इस तरह का मैच निकलता ना भाई, तो सच में दिल गार्डन गार्डन हो जाता भाई। मैं इसी जगह पर उतरा था, और भाई एक के बाद एक बंदे आने लग रहे थे भाई, और यहाँ पर हमने जो है 11 बंदों की पेटियां चमका दी थी। अब मैं यहाँ पर भाई थोड़ी बहुत लूट करने लग रहा था, तो मुझे जो है बाहर से एक बंदे की और आवाज आई, और मुझे ऐसा लगा कि भाई ये बोट है। अब यहाँ पर भाई मेरी किस्मत अच्छी थी भाई, जो मैं बच गया एक बार, तो भाई मैं ना इसको बोट समझ रहा था, और भाई अगर ये बार होता ना तो शायद भाई ये मेरी पेटी भी चमका देता। तो ये भाई साहब गाड़ी में बैठ गए थे, और इसकी हमने पेटी चमका डाली भाई। अब यहाँ पर हमारे हो गए थे भाई 12 किल। तो मैं गरीबों वाली मैक्लेरिन लेकर भाई निकल जाता हूँ बंदे ढूंढने, लेकिन भाई मुझे बंदे ही नहीं मिल रहे थे। अब देखते ही देखते भाई सभी बंदे जो है टपकने लग रहे थे, और मैंने एक सरकारी ड्रॉप भी लूट लिया था भाई, और अब आगे जाकर मुझे जो है एक सरकारी ड्रॉप और दिखता है। वैसे यहाँ पर ये देखो भाई किल फील्ड में पूरी की पूरी टीम जो भाई प्ले जोन में ही टपक गई भाई, मेरे ही हाथों टपक जाते यार, मेरा भला हो जाता। अब मैं इस सरकारी ड्रॉप पर भी भाई हाथ साफ कर जाता हूँ, और इसमें मुझे मिल जाती है भाई गजरा, और गजरा चलाए ना भाई मुझे 10-15 साल हो गए, इसलिए मैं यही उठा लेता हूँ।
और अब जो है बिल्कुल बवाल होने वाला है, क्योंकि भैया आज जो है मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब दिनों क्या यार महीने सालों के बाद जो है मैं ब्रिज कैम्प करने वाला, वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से। तो बिल्कुल बवाल होने वाला है, आपने ऐसा सोचा नहीं होगा भैया, पर ऐसा कुछ हो जाएगा। अब भाई मैं क्या ही बताऊँ यार, इस टाइम ना मेरे दिल में ना बिल्कुल धक 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 होने लग गई थी। मैं आया था तो भाई यहाँ पर ब्रिज कैंप करने, लेकिन ये भाई साहब जो है मेरे से भी तेज निकले भाई, ये मेरे से भी पहले यहाँ पर जो है ब्रिज कैंप किए हुए थे, वैसे बच गए भाई हम। तो आज मैं भी भाई लेट जाता हूँ यहाँ पर, और अब कुछ देर तक वेट करता हूँ भाई बंदों का। तो कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पर दो चुन्नू मुन्नू फंस गए भाई, देखो आने लग रही भाई गाड़ी। तो भाई लाइक ना रुकने नहीं चाहिए भाई, लाइक के और सब्सक्राइब के बटन पर बिल्कुल भूख हड़ताल कर दो। मजा आया भाई ये वाला नजारा देखकर। वैसे भाई मैं ये कैंपिंग वैम्पिंग भाई मैं कम ही करता हूँ, लेकिन कभी कभी भाई मेरा भी दिल कर जाता है यार मुझे भी देखना कि भाई क्या मजा आता भाई इसमें ऐसा ये सब हरकतें करने में। तो भाई सच बताऊ ना, अलग ही मजा भाई कैंपिंग करने का, कड़ानाक बनकर लेटने का और कैंप करके बंदों को टपकाने का, सच में भाई अलग ही मजा है। अब मैं यहाँ पर भाई कुछ देर तक जो है बंदे ही बंदे ढूंढने लग रहा था, तो बंदे बहुत कम बचे थे, और इस साइड से भाई किसी ने स्नाइपर यूज की थी, तो अब सभी के सभी बंदे जो है इसी साइड थे। अब यहाँ पर जो भाई तीन बंदे बचे हुए थे, और मुझे ना आगे की तरफ कुछ बंदे भागते हुए दिखे। अब मैं यहाँ पर आकर भाई सोच रहा था कि इनको लेट कर भाई लेटा देता हूँ इनको हमेशा के लिए, लेकिन भाई कुछ गलिच की वजह से मैं वहां पर नहीं लेट पाया। अब एक बंदे को तो भाई नॉक कर दिया था, लेकिन मैं ऐसे ही भाई अंधारस नहीं कर सकता, क्या पता भाई इसका टीममेट कहां पर छिपा और मेरी बैंड बजा दे। तो भाई मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है, जोश जोश में भाई कभी भी होश नहीं खोने चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। अब यहां पर जो भाई स्मोक हो गया था, तो ये बंदे जो आगे की तरफ आने लग रहे थे, और भाई आज ना मेरा भाई बहुत ज्यादा साथ दिया यार जोन ने, ये देखो यहीं पर बनने लग रहा था। तो मैं पहले यहाँ पर भाई शील्ड बना देता हूँ, क्या पता भाई कब कवर की जरूरत पड़ जाए। अगर यहाँ पर नेड आ जाता है तो उस साइड ना मुझे एकदम से जो है मिल जाएगा भाई कवर। तो अब बचे थे भाई दो बंदे, जो कि एक ही टीम के थे और दोनों के दोनों भाई साइड थे, लेकिन आज सर्कल बाबा ने भाई बिल्कुल मौज कर दी यार हमारे ऊपर था। अब मैं आगे की तरफ भाई पहले तो सुतली बम फेंकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई कोई भी नहीं टपकता। वैसे अगर आप भी भाई कभी ऐसे फंस जाओ, आपके पास भाई अगर शील्ड है, अगर आप ये वाला मूड खेल रहे हो, तो पहले ही भाई दो तीन बना लो, क्योंकि ऐसी जगह पे ना भाई अगर सुतड़ी बम बाजता है तो आपके पास भाई कवर के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। अब मेरे पास भाई यहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने पहले ही उस साइड जो है कवर बना लिया था अपने लिए। अभी ये भाई साहब जो है यहाँ पर स्मोक फेंकने लग रहे थे, और ये भाई साहब जो है कुछ ज्यादा ही चालू बनकर दिखाने लग रहा था भाई। ये अकेला आया गाड़ी लेने के लिए अपने टीममेट को बोलकर कि भाई तू रुक मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर इसकी पेटी चमकाएंगे, लेकिन भाई इसके साथ हो गया हादसा। तो अब बचा था भाई एक लास्ट बंदा। अब हमारी यहाँ पर भाई बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली, और हमारे हो गए 18 किल। तो मैं यहाँ पर मोली फेंक देता हूँ, और अब देखो भाई चूहा कैसे निकल कर भागता है बिल से। तो आज किस गेम प्लेडो में भाई इतना ही था। उम्मीद आपको आज किस गेम प्लेडो में भाई 10-15 हज़ार किलो मजा आ गया होगा, और अगर आप अभी तक भाई ये गेम प्लेडो देख रहे हो ना, तो सबसे पहले तो भाई आपको 10-15 हज़ार किलो धन्यवाद,
और जो वेट कर रहे हैं भाई नए आईपैड का, तो शायद कल तक आ जाए। अगर कल को नहीं आता तो भाई परसों को ना पक्का आ जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाल दूंगा और बहुत कुछ नया होने वाला है यार। बस एक बार ना iOS पर आ जाए यार BGMI, मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। अब नए कंट्रोल्स पे जो है मैं शिफ्ट हो जाऊँगा और कुछ अलग प्रैक्टिस करूँगा, बहुत कुछ इम्प्रूव करना भाई, बहुत कुछ। बस वेट कर रहा हूँ मैं BGMI का। तो इस वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तब आई।